हाय दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सी एल रावत। मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं लखनऊ यूपी में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है वो है स्टोन का, किडनी स्टोन, यूरेटर एंड गाल बैडर। दोस्तों, एक स्टोन और होता है जो पित्त की थैली में होता है, जिसे हम लोग गाल बैडर स्टोन कहते हैं। उसको मैं बाद में बताऊँगा, अभी मैं ब्लैडर, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, हमारी बॉडी में या किडनी, यूरेटर, ब्लैडर में चार तरह के स्टोन पाए जाते हैं। जो पहला होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट, दूसरा होता है वो यूरिक एसिड, तीसरा होता है वो स्ट्रोवाइड और चौथा है वो सिस्टाइन। ये नाम के कंपाउंड है जो हमारी किडनी में पथरी बन जाते हैं। दोस्तों, पहला जो होता है, जो स्टोन होता है, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। ये उन लोगों को जाता होता है जो लोग पानी कम पीते हैं, सिर्फ खाना खाते समय पानी पी लिया, अदरवाइज नहीं पी रहे हैं। और साथ में जो लोग ऑक्सीलेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, मसलन ऑक्सीलेट में जैसे कि पालक, बथुआ, टमाटर और एक और चीज़ बती, पालक, बथुआ, टमाटर और एक चीज़ और बता, पत्ता गोभी, इन चार चीज़ों में ऑक्सीलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों को स्टोन होने की रिकरेंसी है या जिन लोगों को स्टोन हो चुका है, इस वो इन मात्रा इन चीज़ों को बिल्कुल मेरे ख्याल से तो ना ही लें। और बियर और एल्कोहल में भी ऑक्सीलेट पाया जाता है, जो कि कैल्शियम ऑक्सीलेट का स्टोन बनाने में सहायता करता है, जो बनाता है। तो प्लीज़ एल्कोहल का भी सेवन कम करें। अब दोस्तों, बात आती है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट पहले टाइप का स्टोन है, बहुत मोस्ट कॉमन है और बहुत हार्ड होता है। तो दूसरे टाइप का स्टोन होता है यूरिक एसिड का स्टोन। दोस्तों, वो यूरिक एसिड का जो स्टोन होता है वो प्यूरिंस से बनता है, प्यूरिंस प्रोटीन का कंपाउंड है। इसलिए जो लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, मसलन चिकन, मटन, फिश, एग, पनीर, सोयाबीन, इन सब चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो जो लोग प्रोटीन डाइट में ज़्यादा लेते हैं, पानी कम लेते हैं, वो धीरे धीरे उसके छोटे छोटे क्रिस्टल किडनी में बना करते हैं, बाद में कंबाइंड होकर बड़ा स्टोन बना लेते हैं। अब दोस्तों, तीसरे टाइप के स्टोन के बारे में आते हैं, वो होता है स्ट्रोवाइट। दोस्तों, किसी किसी के किडनी में अक्सर इन्फेक्शन बना रहता है, यूरिन में करते हैं, पेशाब करते समय जलन, दर्द, 10-15 दिन दवा किया सही हो गया, महीने दो महीने बाद फिर हो गया, उन लोगों को स्ट्रोवाइड का स्टोन हो जाता है। स्ट्रोवाइड कंपाउंड जो होता है उसके स्टोन होते हैं। चौथा दोस्तों, एक कंपाउंड है सिस्टाइन, उसका स्टोन भी, लेकिन बहुत लेस कॉमन है, तो इसके बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों, स्टोन के बारे में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा स्टोन आपकी बॉडी में खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में यूरेटर में स्टोन है तो बहुत डेंजर है, आपको उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर स्टोन आपका 4 mm से कम है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, अब वो आसानी से निकल जाएगा होम्योपैथिक दवाइयों से। अगर आपका 2 mm से कम है, 2 mm डाउन, 2 mm, 2.5 mm, तो कुछ दवा वा लेने की जरूरत नहीं है। पानी खूब पीजिए, खूब पीजिए, खूब पीजिए, महीना काल के अंदर वो निकल जाएगा। जस्ट विद इन 1 month दे आर इजेक्टेड टू योर बॉडी। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका स्टोन 4 mm से बड़ा है तो दोस्तों उसके लिए फिर दवाइयाँ, कुछ और दवाइयों भी सहारा लेना पड़ेगा, वो बताता हूँ बाद में भी। 4 mm से 7 mm के बीच में अगर स्टोन यूवी जंक्शन में स्टोन फंसा हुआ तो वो भी दोस्तों निकल जाता है, लेकिन उसके निकलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। उसमें कुछ हमारे पास एक हाइड्रेंजिया मदर टिंचर है, या हाइड्रेंजिया पोटेंशियम भी देते हैं, ज़्यादातर मदर टिंचर में काम करता है। वो यूरेटर को डायलेट थोड़ा करता है, समय समय पर डायलेट करता रहता है यूरेटर के जो साइज़ को, जिससे स्टोन को निकलने के लिए आराम मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, बड़ा हो जाता है, वो निकल जाता है। दोस्तों, अगर हमारे किडनी में स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है, तो अगर वही बात है, अगर 4 mm से कम है तो उसको निकालने, गलाने में, डिसॉल्व करने में आसानी होती है। 4 से 7 mm में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 महीने। अगर 7 mm से 10 mm, 12 mm में, तो उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पर हम लोग होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे हम पेशेंट को आराम से, मतलब ऑपरेशन से बचा सकते हैं। बिकॉज अब दोस्तों, मैं देखता हूँ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको स्टोन आसानी से सोचते हैं, आज स्टोन हो गया, 5 mm का है, 7 mm का, 8 mm का है, अंग्रेजी डॉक्टर के पास गए, उसने कहा इसको निकलवा दीजिए, गलाने में 6 महीने लगेगा, 5 महीने लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, वो स्टोन को जब जैसे ही आप उसको निकलवाएंगे, आजकल टेक्निक ऐसी आ गई है, ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो गए, पेशाब की नली से एक छोटा सा पाइप डालते हैं और बिना बिना चीरा, बिना टाका के वो ऑपरेशन से निकाल लेते हैं, बिना ऑपरेशन के मतलब पथरी निकाल लेते हैं, सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है दोस्तों, इसका लाभ आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी मेडिकल साइंस जो है वो बहुत बहुत ऊपर जाती है, बहुत ऊपर जा रही है, बहुत सक्सेस हो रही है इस मामले में।
तो लेकिन दोस्तों अगर आप ये काम करेंगे और अपने डाइट में चेंज नहीं करेंगे तो रिकरेंटली हर 12 महीने पे आपको फिर स्टोन बन जाएगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको अभी आखिर में डाइट प्लान क्या है। अगर जो लोग स्टोन जिनको हो चुका है या जिनको रिकरेंसी होती है उनको लिए उनको डाइट प्लान चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब मैं आता हूँ चौथी चीज़ पे इसके कि मसलन इसकी दवाइयों के बारे में। दोस्तों दवाइयों के बारे में अगर राइट साइड का स्टोन आपको है तो आप ले सकते हैं लाइकोपोडियम वनम हफ्ते में एक बार 5 बूंद, साथ में आप ले सकते हैं बर्बेरिस फलग्रेस का मदर टिंचर, हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर, साथ में क्लियर स्टोन का भी आप जो दवा आती है SBL की उसको भी आप ले सकते हैं। ये तीनों दवाइयाँ आधे कप पानी में दिन में 4 बार लें। पानी को खूब पिए, कम से कम 8 से 10 लीटर पानी पिए। 2 से 3 लीटर यूरिन आपका रेगुलर बनना चाहिए जिसके सहारे आपका स्टोन गलेगा। अब दोस्तों दूसरी चीज़ है, अगर आपका लेफ्ट साइड का स्टोन है तो आपको दोस्तों दवा में थोड़ा सा चेंज है। लाइकोपोडियम की जगह परेरा ब्रेवा नाम की दवा है, परेरा ब्रेवा का मदर टिंचर, बर्बेरिस वल्गरिस का, हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर, साथ में क्लियर स्टोन, ये चारों मदर टिंचर आप लीजिए चारों को। दोस्तों मदर टिंचर जो होती है वो सेफ ड्रग होती है, वो नुकसान नहीं करते हैं, असर बहुत पुराना ना हो। आप लेटेस्ट डेट कर लीजिए, उसके एक्सपायरी के अंदर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये चारों को आप दिन से 3 से 4 महीने के आसपास लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसको मतलब देने में। हाँ तो ये आपकी दवाइयाँ हो गई। और दोस्तों बस डाइट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों देखिए जो हम सबसे पहली बात, एक नॉर्मल डाइट है हमें, और डाइट में ऑक्सीलेट नहीं लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लेने हैं, नींबू संतरा मौसमी अनार अनानास नारियल पानी, ये सब आपको बड़ा फ़ायदा करेगा स्टोन को गलाने में या स्टोन को दोबारा बनने नहीं देगा। और दोस्तों डाइट में लिक्विड डाइट ज़्यादा लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, आपका स्टोन जब दर्द नहीं करेगा जब तक आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। बॉडी जब तक हाइड्रेट रहेगी, पथरी आपकी स्किन में इंटेक्ट नहीं होगी तो वो दर्द नहीं करेगी। हमें दवाइयों का भी ज़्यादा असर ज़्यादा होता है जब हमें बॉडी आपकी हाइड्रेट रहती है, यूरिन ज़्यादा बनता रहता है। ओके दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई बीमारी के साथ, किसी नए ड्रग के साथ। थैंक यू।